आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी का कुछ पार्ट जो फर्स्ट अपने वीडियो में रह गया था। इस वीडियो में बात करेंगे इसके जो एक्सेप्शंस हैं जिन पे ये नियम लागू नहीं होता है, इसके इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। तो देखिए, ये नियम ये मानते हैं कि सार्वभौमिक रूप से लागू होता है, लेकिन इसकी कुछ मान्यता और शर्तें, उनका पालन करना भी बहुत आवश्यक होता है, बिना उनके ये नियम लागू नहीं होगा। तो ऐसे कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं जिन पे ये नियम लागू नहीं होता? फर्स्ट है रेयर कमोडिटी। अगर कमोडिटी रेयर है तो वहाँ पर ये नियम लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो कमोडिटी रेयर है उसको अधिक से अधिक लेना चाहते हैं, जैसे डाक टिकट हैं, पुराने चित्र हैं, दुर्लभ चित्र हैं, पुराने सिक्के हैं, तो वहाँ पर ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि उनकी जैसे जैसे वृद्धि की जाएगी उसकी मार्जिन यूटिलिटी उतनी बढ़ती चली जाती है। लेकिन यदि उस व्यक्ति के पास केवल एक ही प्रकार के डाक टिकट के सेट हैं तो हर वृद्धि के साथ उसकी मार्जिन यूटिलिटी कम होती चली जाएगी, तब यह नियम लागू हो जाता है। नेक्स्ट, स्मॉल यूनिट। यदि कंजम्पशन की जो इकाई है बहुत स्मॉल है, इट मीन्स बहुत छोटी है, तब यह नियम लागू होगा, क्योंकि उसकी अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त मार्जिन यूटिलिटी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, मान लीजिए हमें चाय बनाने के लिए कोयले की जरूरत है, तो पहला कोयला लेने से वो पर्याप्त नहीं होगा, उसकी और इकाई हम चाहेंगे, क्योंकि तभी चाय बना सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कोयले की जो अतिरिक्त इकाई है उसकी उपयोगिता घटाने की जगह क्या करेंगी? बढ़ाएंगी। तो वहाँ ये नियम लागू नहीं होगा। प्रेस्टिजियस गुड। यदि कोई जो वस्तु है वो प्रेस्टिजियस है, इट मीन्स कि वो बहुत ही उसकी जिसके कारण की प्रतिष्ठा बढ़ती है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ नियम लागू नहीं होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास बैंगलो है, तो दूसरा बैंगलो भी उसकी जो उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता, उसके लिए कम नहीं होगी। एक्यूमुलेशन ऑफ पावर। यदि किसी व्यक्ति के पास पावर है तो वह और पावर की आकांक्षा करता है, उसे वो चाहता है कि वो और पावरफुल बने। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वह शक्तिशाली हो जाता है, वैसे वैसे और शक्तिशाली होने की उसकी कामना बढ़ जाती है, तो यहाँ पर यह नियम लागू नहीं होगा। एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। देखिए, धन का संचय तो बहुत ही ज़रूरी है, ये हम सभी जानते हैं, और मनुष्य तो धन का अधिक से अधिक संचय करना चाहता है, तो वहाँ ये नियम लागू नहीं होगा। हम ये नहीं कह सकते कि अगर आपके पास धन एकत्रित हो गया तो अब वो धन नहीं चाहता, उसकी सीमांत उपयोगिता नेगेटिव होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नॉट एप्लीकेबल ऑन ड्रंकर। यदि कोई व्यक्ति शराबी है तो वहाँ पर ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि जो शराबी है उसकी मेंटल स्थिति सही नहीं होती, असामान्य होती है, तो उसके हर नेक्स्ट जो प्याला है उसकी जो उपयोगिता है वो उसमें बढ़ती चली जाएगी, कम नहीं होगी। तो बट इकोनॉमिक में क्या इसका अध्ययन नहीं करते, क्योंकि हम इस व्यक्ति को क्या मानते हैं, एक अविवेकपूर्ण मानते हैं इसके व्यवहार को। गुड पोएम और स्वीट म्यूजिक। यदि कोई पोएम अच्छी है और म्यूजिक स्वीट है तो वहाँ पर भी ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि हम उसे बार बार सुनना चाहेंगे। लेकिन यदि एक ही तरह का म्यूजिक बार बार सुनते हैं तो क्या होगा, उसकी सीमांत उपयोगिता एक सीमा के बाद कम होने लगती है, तब वह नियम लागू हो जाता है। नाउ क्रिटिसिजम्स ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। ये हम मानते हैं कि यह नियम सार्वभौमिक है, सब जगह लागू होता है, लेकिन इसकी कुछ मान्यताएँ और शर्तें हैं जिनका पालन करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा यह नियम लागू नहीं होगा। तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे इसकी आलोचना की जा रही है? तो देखिए, कंजम्पशन इज नॉट ए कंटिन्यूस प्रोसेस, कि जो कंजम्पशन है वो कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं होता, लेकिन ये नियम ये मानता है कि कंजम्पशन क्या होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, और एक वस्तु की अनेक इकाइयों का उपयोग होना चाहिए। लेकिन व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं और अपने बजट में भी अनेक वस्तु को हम शामिल करते हैं, उसमें यह आवश्यक नहीं होता कि किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का क्रम एक जैसा ही हो, एक ही क्रम में उसका उपभोग किया जाए। यूटिलिटी इज़ नॉट मेजरेबल।
यूटिलिटी जो है वो मेजरेबल नहीं है, क्योंकि ये मेंटल स्थिति से, जो मेंटल स्टेटस है उससे रिलेटेड होती है। ये एक आभास मात्र होता है, इसको मापना कठिन होता है। और जिस तत्व की हम बात कर रहे हैं जो स्थिर ही नहीं है, उसको मापना भी संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की जो मेंटल स्टेटस है वो समय के अनुसार, स्थान के अनुसार बदलता रहता है। यह एक माइक्रो अप्रोच है, क्योंकि सीमांत उपयोगिता हास नियम माइक्रो अप्रोच के महत्व को स्पष्ट करता है। वह व्यक्ति को प्रमुखता देता है ऐसी दशा में समष्टि व्यापक रूप से इस सिद्धांत को निर्धारित करना संभव नहीं है। नो एनालिसिस ऑफ कंजम्पशन कैपेसिटी, उपभोग क्षमता का इसमें विश्लेषण नहीं किया जाता, क्योंकि किसी व्यक्ति की वस्तु की उपयोगिता में ह्रास होने के अनेक कारण हो सकते हैं, और उपभोक्ता की उपभोग क्षमता का सीमित होना भी एक कारण, इसमें एक महत्वपूर्ण कारण है। इसी कारण जैसे जैसे पहली इकाई का उपभोग करता है उसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, परंतु या इसके कारण दूसरी इकाई की उपयोगिता कम हो जाती है, क्योंकि वह उसके उपभोग हेतु पहले की भांति इतना कैपेबल नहीं होता। और इन सब बातों को इस नियम में कोई स्थान नहीं दिया गया है। चेंजेस इन प्राइस, देखिए हम सभी जानते हैं कि प्राइस स्टेबल नहीं है, पर यह नियम तब लागू होता है जब प्राइस स्टेबल हो, और व्यवहार में ऐसा नहीं देखा जाता कि वस्तु की जो कीमत है वो स्थिर है, तो ऐसी कंडीशन में यह नियम सही नहीं है। अनस्टेबिलिटी इन वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा के मूल्य में भी अस्थिरता रहती है, और ये जो नियम है ये उपयोगिता मापने का आधार ही मनी को बताता है, और जो मनी है उसकी सीमांत उपयोगिता भी स्थिर नहीं रहती है, और यह नियम मानता है कि उसकी सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है जो व्यवहार में नहीं देखी जाती है। क्योंकि इसका कारण यह है कि जैसे जैसे उपभोक्ता के पास मनी की इकाइयाँ कम हो जाती हैं, वैसे वैसे मनी का जो महत्व बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार मनी का मूल्य स्थिर नहीं रहकर मुद्रा की मात्रा के अनुसार क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है। अजम्पशंस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, यह नियम स्वतंत्र उपयोगिता की मान्यता पर आधारित है। यह नियम ये कहता है कि प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता स्वतंत्र होती है, लेकिन व्यवहार में हम ये देखते हैं कि पूरक तथा स्थानापन्न वस्तुओं की उपयोगिता उस पर भी निर्भर होती है। इस प्रकार उपयोगिता के मिश्रित प्रभावों के नियम पूरी तरह से उपेक्षा करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल थॉट, देखिए ये नियम व्यक्तिगत विचारों पर अधिक महत्व देता है, और वस्तु एवं सेवाओं की जो यूटिलिटी है वो विभिन्न व्यक्तियों, उनकी परिस्थिति तथा मेंटल स्टेटस पर निर्भर करती है। इसलिए उपयोगिता विश्लेषण में व्यक्ति की भावनाओं को प्रमुख स्थान दिया जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हमने इसकी कुछ आलोचनाएं देखी हैं, लेकिन फिर भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक आधारभूत नियम है, और आर्थिक विश्लेषण में इसका बहुत अधिक महत्व है। क्यों? क्योंकि ये बहुत से नियम का आधार है। तो देखिए सबसे पहले जो हम बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंस की, बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम का ये आधार है, क्योंकि मांग का नियम जो बताता है वो वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में विपरीत संबंध बताता है। और ये ऐसा इसलिए बताता है, इसलिए होता है क्योंकि उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिकाधिकारियों को जैसे जैसे क्रय करता है वैसे वैसे वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटने लगती है, इसलिए वे वस्तु की जो उत्तरोत्तर इकाइयों को पहले की अपेक्षा कम इम्पोर्टेंस देने लगता है, और वह वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों कम कीमत पर क्रय करने के लिए तत्पर होता है। तो इस तरह से ये जो नियम है ये लो ऑफ डिमांड के लिए एक आधार प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ लो ऑफ कंजम्पशन, उपभोग के नियमों का आधार है ये, क्योंकि ये जो नियम है सीमांत उपयोगिता हास नियम उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करता है, और इस कारण ये एक महत्वपूर्ण नियमों का आधार है, जैसे मांग का नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, उपभोक्ता की बचत आदि कई सिद्धांत इस पर आधारित हैं। लॉ ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ,
बेसिस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, धन के पुनर्वितरण के लिए भी आधार प्रस्तुत करता है, क्योंकि ये नियम ये बताता है कि धनी वर्ग के लिए धन की सीमांत उपयोगिता कम होती है और निर्धन वर्ग के लिए सीमांत उपयोगिता धन की अधिक होती है। ऐसी कंडीशन में धन के जो रीडिस्ट्रीब्यूशन करते समय धनी वर्ग से निर्धन वर्ग के पक्ष में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, देखिए ये नियम उत्पादन का भी आधार है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन इस नियम की क्रियाशीलता के कारण ही संभव हो पाता है। जब किसी वस्तु की पूर्ति अधिक हो जाती है तो उपभोक्ताओं से जो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो क्या हो जाती है, घट जाती है, जिसके कारण वह उसको कम मूल्य देने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए जो प्रोड्यूसर है इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए उत्पत्ति के साधनों को उस उत्पादन से हटाकर ऐसी वस्तु के उत्पादन में लगा देते हैं जिससे कि वस्तुओं और उपभोक्ताओं को अधिक उपयोगिता मिलती है। क्लियर। नाउ एक्सप्रेशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। उपयोगिता मूल्य एवं विनिमय मूल्य के अंतर की व्याख्या करता है यह सिद्धांत। किसी भी वस्तु का जो विनिमय मूल्य एक्सचेंज वैल्यू है उसकी सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करता है। जैसे किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ने पर उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी घटने के कारण उसका विनिमय मूल्य घटता है। यही कारण है कि हवा, पानी, रोशनी आदि की पूर्ति अधिक होने के कारण भी इनकी सीमांत उपयोगिता शून्य के निकट पहुंचने के कारण इनका विनिमय मूल्य बहुत कम होता है। दूसरी तरफ हम बात करें डायमंड, पन्ना, इनकी पूर्ति बहुत सीमित होने के पर भी इनकी सीमांत उपयोगिता बहुत अधिक है, इसके कारण इनका जो विनिमय मूल्य है वो बहुत ही ऊंचा होता है। नेक्स्ट, सेल्स प्रमोशन। वस्तु के सेल्स प्रमोशन में भी यह नियम बहुत उपयोगी है। सामान्यतः वस्तु की कीमत कम करके वस्तु की मांग को बढ़ाया जा सकता है। बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्स सिस्टम। मॉडर्न टैक्स सिस्टम का भी ये आधार प्रस्तुत करता है कि धनी व्यक्तियों के लिए जो मनी है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है निर्धन व्यक्तियों की तुलना में, और इसी फैक्ट को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम लागू करती है। धनी व्यक्तियों से अधिक कर लिया जाता है और निर्धन व्यक्तियों पर कर का भार कम दिया जाता है। प्राइस डिटरमिनेशन। इस नियम के आधार पर मूल्य निर्धारण भी किया जाता है। यह नियम वस्तु के मूल्य के निर्धारण में सहायक होता है। किसी वस्तु का अधिकतम मूल्य कितना हो सकता है यह हम उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता पर देखकर बता सकते हैं कि किसी वस्तु का अधिकतम मूल्य उपभोक्ता को वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता से अधिक नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि जब अधिक वस्तु उत्पादित हो जाती हैं तो उनके मूल्य कम हो जाते हैं और कम उत्पादन होने पर प्राय प्राइजेस बढ़ जाते हैं। बेसिस ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। समाजवादी व्यवस्था का भी यह आधार है, क्योंकि समाजवादी समाज की बात करें तो इसमें धन के पुनर्वितरण की जो नीतियाँ काफ़ी सीमा तक इस नियम पर बेस्ड होती हैं। इसलिए जो धनी वर्ग होती है उन पर प्रोग्रेसिव टैक्स लगाकर उस राशि को निर्धन वर्ग के कल्याण पर खर्च किया जाता है। तो इस प्रकार यह जो नियम है यह पुनर्वितरण करके समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता को कम किया जाता है इस नियम से।